हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ दिवाली स्पेशल डीआईवाई आइडिया लेकर। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वेस्ट चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँ और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे आइडिया शेयर करूँ। तो दोस्तों, हाल ही में हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान की शॉपिंग की थी, जिसमें आया था ये थर्मोकॉल का पीस। ये पीस दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने इसे रख लिया था डीआईवाई के लिए। तो आज चलिए इसी से कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें पेंट कर लूँगी। पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पर रंग बिरंगे एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करूँगी। दोस्तों, दिवाली लाइट्स और कलर्स का फेस्टिवल है, तो उसमें दिवाली में इस तरह के कलरफुल डीआईवाईज बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें रंग बिरंगे कलर से पहले पेंटिंग कर लूँगी, फिर मैं इसमें लगाने वाली हूँ कुछ अलग अलग शेप के मिरर्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये डीआईवाई अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप का ढक्कन लिया है, जिससे मैं पहले यहाँ पर 3 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करूँगी और फिर इसे कट करके निकाल लूँगी। कट करने के बाद दोस्तों, ब्लू कलर का एक्रिलिक पेंट यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, इससे मैं इस कटआउट्स को अच्छी तरह से पेंट कर लूँगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, इससे हम हैंगिंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लेकर इन्हें बीच से कट कर लिया है और इन्हें मैं अच्छी तरह से पहले पेंट करूँगी और फिर इसे हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम अच्छी तरह से इन कटआउट्स को यहाँ पर ये देखिए नीचे हम इस तरह से ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी और भी अच्छे ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे की साइड दोस्तों आइसक्रीम स्टिक्स से हम इस तरह से हैंगिंग बना देंगे और ये देखिए एक आइसक्रीम स्टिक से सिक्योर कर देंगे। सो फाइनली दोस्तों, हमारा खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बनके तैयार है। चाहे तो आप इसमें असली वाली टी लाइट भी लगा सकते हैं और इस तरह की ऑटोमेटिक लाइट्स भी आप जला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डीआईवाई पसंद आया होगा और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।